एक મહત્વના સમાચાર દ્વારકાથી। देवभूमि द्वारका जिल्लाना मुख्य मथक खंभाळिया खाते नारी शक्ति समारोहनी उजवणी आज रोज जिल्ला पंचायत कचेरी खाते कराई, जेमा राष्ट्रीय महिला आयोगना सदस्यना अध्यक्षतामां योजाई हती। देवभूमि द्वारका जिल्लाना मुख्य मथक खंभाळिया खाते द्वारका जिल्ला पंचायतनी सभाखंडमां राष्ट्रीय महिला आयोगना सभ्य राजूलबेन देसाईना अध्यक्षतामां नारी शक्ति समारोहनुं आयोजन करायुं हतुं, जेमा जिल्ला कलेक्टर, जिल्ला विकास अधिकारी, जिल्ला पोलीस वडा सहित जिल्ला पंचायतना प्रमुख, जिल्लाना महिला मंडळ, महिला आगेवानोनी उपस्थितिमां योजायो हतो। आ नारी शक्ति समारोहमां नारीने लगता मुद्दाओने खास ध्यान अपायुं हतुं, जेमां महिला स्वास्थ्य, महिला शिक्षण अने महिला सुरक्षा साथे ज केन्द्र अने राज्य सरकार द्वारा जाहेर करायेल योजनानुं अमलीकरण थाय छे के केम, महिला विकासने लईने विविध प्रकारनी एजन्सीओ काम करे छे तेना अधिकारीओ साथे चर्चा कराई, अने खास करीने राष्ट्रीय महिला आयोगना सभ्य जणाव्युं के बहनों कई रीते स्वास्थ्य समाजना निर्माण में फाळो आपी शके छे ते अंते सरकारनी योजनाओनी माहिती आपवामां आवी हती। साथे ज महिला विकासनी दिशामां आपणे ज्यारे आगळ वधता होईए त्यारे केन्द्र सरकार पण ज्यारे विविध स्कीमो द्वारा सतत महिला विकासनो मुद्दो अग्रम स्थान पर रह्यो छे, त्यारे जिल्ला वहीवटतंत्र जिल्लानी बहनों अने आगेवान बहनों साथे पण आ विषयने लईने पण अगत्यना मुद्दाओनी चर्चा करवामां आवी हती। खास करीने महत्वनो विषय छे महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य अने महिला शिक्षण। महिलाओनी सलामती माटेनुं वातावरण जिल्लामां वधु ने वधु स्वस्थ बने, जिल्ला वहीवटतंत्र द्वारा पण केन्द्र सरकारनी विविध योजनाओ अने राज्य सरकारनी विविध योजनाओ अमलीकरण प्रॉपरली थई रह्युं छे के केम, अने महिला विकासने लगती विविध एजेंसीओ जे काम करे छे, अलग अलग क्षेत्रना अधिकारीओ छे एमने साथे पण चर्चा करी अने अपडेट शुं छे एनी जानकारी मेळवी, ने खास करीने बहनों साथे कई रीते बहनों स्वस्थ समाजना निर्माणमां एक महत्वनो फाळो आपी शके छे, सरकारनी योजनाओ विशे पण माहिती आपी, अने महिलाओ માટેના જે કાયદાકીય જોગવાઈઓ છે એની પણ થોડી આછી માહિતી આપવામાં આવી। તો ઓવરઓલ મહિલા વિકાસની દિશામાં જ્યારે આપણે આગળ વધવું છે અને કેન્દ્ર સરકાર જ્યારે વિવિધ સ્કીમો દ્વારા સતત મહિલા વિકાસનો મુદ્દો અગ્રમ સ્થાન પર છે, તો જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, જિલ્લાની બહેનો, જિલ્લાની આગેવાન બહેનો સાથે પણ આ વિષયને લઈને અગત્યના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી।